तो संस्कार संपन्न आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला हो नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत मैं करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज का हल्द्वानी का जो मौसम है बहुत ही तेज़ धूप आ रखी है। बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा है हल्द्वानी में, आप देख सकते हैं सभी ने अपने अपने कपड़े छतों में डाल दिए हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ये देख सकते हैं आप सुंदर सा मौसम हल्द्वानी का। आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ एक नए सफ़र के लिए और आपको ले चलते हैं एक नए सफ़र में और आप देखते रहना हमारे ब्लॉग को लास्ट तक। मैं जा रही हूँ आज नामकरण में, हमारे वहाँ नामकरण है फौजी साहब की बेटी की, पृथ्वी साहब की बेटी की, लोगों से मिलवाते हैं और ले चलते हैं। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मैं पहुंच गई हूँ हेमा के पार्लर में और जो भी हेमा के बारे में पूछ रहे थे आप देख सकते हैं मैं आज हेमा के पार्लर में आई हूँ और वहीं से मैं जाऊँगी नामकरण में। कुलदीप ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, थ्रेडिंग, वैक्स, फेशियल, हेयर कटिंग, कलरिंग आदि सभी प्रकार के पार्लर कार्य किया जाता है। यंग ब्यूटी सियन कोर्स आदि भी कराया जाता है। यह है भगवानपुर रोड और आप लोग भी आ सकते हैं। तो ये है हेमा का ब्यूटी पार्लर, गोल्डी ब्यूटी पार्लर के नाम से है। हैं ये आगे हैं हेमा के ग्राहक यहाँ पे है लांचा और यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और ये है हेमा, हेमा से मिलिए। हेमा बता दे, सभी लोग तेरे को याद कर रहे थे जो हमारे साथ वाले थे। अच्छा, फिर सारे दोस्त लोग हेमा को याद कर रहे थे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आशीर्वाद। हल्द्वानी आओगी तो मेरे पार्लर में जरूर आना। पार्लर में बिनाई जो भी सीखना चाहते हो, स्वेटर गिफ्ट मिली है। हाँ स्वेटर गिफ्ट दे रहे हैं, साथ में जो भी यहाँ पे बिनाई करने आएंगे यहाँ में बिनाई की मशीन भी रखी हुई है। और आप कुछ भी कराना चाहते हो इनसे, क्या क्या कराते हो? कुछ भी जो करवाओगे वो हो जाएगा। बाय बाय, ठीक है, ज्यादा हो रहा। फिर आऊंगी मैं। हाँ यहीं से चलते हैं आगे को। तो हम पहुंच गए हैं पृथ्वी रावत जी के घर में। पहले तो हम इनका आपको घर दिखाएंगे। सभी लोग देखते हैं कैसा घर बना रखा है करके। ये है इनका प्यारा सा घर, हवेली, कुटिया नहीं हवेली, नाम क्या रखा है इसका? कुटिया, कुटिया कुटिया है, छोटी सी कुटिया। साहब बहुत बहुत बधाई है आपको। नहीं मामा नहीं आया। धन्यवाद धन्यवाद। और ये आगे मेहमान, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा, आगे से बिल्कुल हरे भरे खेत और यहाँ पे टेंट लग चुका है, खाना बन रहा है साइड में और यहाँ से हम चलते हैं अंदर को। हो रही है तैयारियाँ पंडित जी? ओहो भट जी प्रणाम, और ठीक ठाक? सबसे पहले तो तेरे को बहुत बहुत बधाइयाँ गीता। धन्यवाद। और ये है गीता की मम्मी नानी जी। नानी जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये आए हैं नानी के वहाँ के कपड़े, हमारे वहाँ पंडित जी पहले इनकी प्रतिष्ठा करते हैं पूरे और पहनाते हैं भाव को। और ये आ गए हैं दादी। दादी जी आपने क्या बनाया है? मिल्लू बना रही हूँ। अच्छा बना रहे हैं। ये असली वाले नानी दादी ने बना रखे हैं वाले। ये है दादी जी, ये है नानी जी, ये इनकी बहन है, और ये है मौसी जी, ये लाई है इनकी मौसी जी। नजरिए नजरिए वाले लेके आए थे। हाँ ये है बुआ जी, ये लाई है बुआ अपने गिफ्ट, ये है भाव के लिए, और कंगी कंगी भी लाई है, और आई कॉपर
अच्छा अच्छा, फिर इतनी सारी गिफ्ट बुआ जी लाई है। और ये सु मौसी, ये सी पातोग, ये पातोग ये कुंजा दियो तुम, तुम्हें जिठान है यो। ओ यो पातोग हम कुंजारी कर। अच्छा, ये है हमारा मेहता, ऐसे ले जाते हमारे वहाँ पंडित जी। शुरू पकड़ में लीजिए मामा। हाँ पंडित जी लीजिए आए। ऐसे ही भाव की जो माँ होती है उसको लाया जाता है शुरू पकड़ में ना, कि यहाँ पे नामकरण की तैयारियाँ शुरू। सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। ये जो भौ की माँ है उसको सबसे पहले हमारे वहाँ यहाँ पे लाके टीका लगाया जाता है। और अब लगाएंगे बेबी को 5 महीने बाद ना, 5 महीने बाद ना, 5 महीने का विकासन होगा तब इसको अक्षत लगेंगे। तब तक खाली टीका और चंदन लगेगा। ये अंग्रेजी मैडम लेफ्ट राइट वाली, राइट वाले में। मंजू, मीनाक्षी, मोहनी, मीरा, मिनल, मोनिका, महिमा, मानसी, ये इसके नाम पढ़ रखे हैं। ये कपड़े को इन्होंने संभाल दिया। इसके जब अन्न पाषाणी होते हैं उनके दिन इसका फ्रॉक बनाया जाता है। हाँ। तो पाषाणी दिन पिंक कपड़े पहनाओ। और सबसे पहले पंडित जी रखेंगे नाम, माया, मंजू, ममता, बिनल, मीनाक्षी। ये नाम पढ़ गए हैं भोगे, 5 नाम पंडित जी ने सुना दिए हैं। और अब सुनाएंगे उसके पापा, मंजू, मीनाक्षी, मोहनी, मीरा, मिनल, महिमा, मानसी। और ये आ गया दादी जी, नाम सुना दे। महिमा, रोशन, माया, मंजू। ये नानी जी, नाम सुना दे। और नामकरण, नाम की जो संस्कार है वो नाम अभी पड़ गया है। और आधे संस्कार भी कहा जाते होंगे। ये शंख से हल्का हल्का गिराते रहना, ऐसे पानी गिराना। हाँ, यहाँ गिराना, धरती में गिराते रहना। ये हो रही यहाँ पे सूर्य भगवान की परिक्रमा। Thank you.
गिनते रहना। सूर्य देख रहे हैं वैसे, दिख रहा दिख रहा दिख रहा, पूरे सूर्य भगवान का दर्शन हो रहे हैं उसे। ओ मंत्रा था सुलभ हो गया, ओ मंत्रा था सुलभ संतो गुणा सुधार किसान संतोगा किसान प्रसाद किसान हाँ मुझे तो हो आता हूँ मिल जाएगी हो जा सब मिल जाएगा सब अच्छे से लो तो क्या हो गया मंदिर में तो हवा लगी Thank you.
आना नहीं चाहती है। कहाँ नहीं आना चाहती है? हम भी हैं लाइफ में। और ये हैं हमारी सारे भाभी जी, ओ ये है हमारी मौसी जी। क्या अरे पातो ही खाओ नहीं सब सारे पाते ही वाले इधर आ जाओ। ये है हमारी सारी पातली वाली पार्टी। देखो रे पाते वाला जो जो पछाड़ जो जो पछाड़ से आपा रिश्तेदार को पछाड़ लिया के कण चाह से पाते वाला। हां हम गर्मियों में आएंगे, जल्दी आएंगे, पातो घूमू। हां पातो घूमू और बात देखो। बात सब आना, सब लोग आना, पर बाग देखूं। सब जना आएंगे, वहाँ मुलाकात होगी, खूब घोड़े गाएंगे। चलो और आप जाते हैं खाना खाने, चलते हैं खाना खाने। ये है हमारी जिठानी जी, पुलिसारी वाले हम कर चल भत्ते भलर ने भलर चल। और यहाँ पे बने हैं गुलाब जामुन, क्या क्या हरे खाने में तुमने मीठे से जो स्टार्ट कर दिया। और ये है हमारे पहाड़ की पहाड़ी खटाई चटनी, कैमन हरे खा खा लो खा लो, बहुत टेस्ट आया है इन्हें। और ये है रायता और ये है मिक्स वेज आता है। फिर मौसी भरे चा बहुत टेस्टी और अच्छा। हम पहले आज बाबू आज ये बह प्यारी थी भो नारिशो। ओ ये है नतिया, ये है बूबू की गोदी में, बूबू घुमा रहे हैं इसको। और सारे लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना और मैंने भी ले लिया है और हम भी खाते हैं खाना और चलते हैं यहाँ धूप में। लोगों का खाना कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है और धूप के मजे ले रहे हैं। धूप के मजे ले रहे हैं ठंडियों के समय में। हो दी खाओ खाओ। और ये आ गई है भौ की दादी, दादी जी का खाना शुरू हो गया, सारे लोग यहाँ पे खा रहे हैं। हो ऐसा दादी हाय खाओ खाओ भल और चा बढ़िया मिठा हो रहा घाम में। तो दोस्तों नामकरण की पार्टी खा के मैं पहुंच गई हूँ घर में और घर आके चाय पानी पी लिया है मैंने। और इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय देवभूमि, जय भारत और जय उत्तराखंड।